हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज हम बनाने वाले सेवियाँ खीर, तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं बर्तन में डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। साथ ही मैं डालूंगी इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट। यहाँ पे आप अपने पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। यहाँ हमारे ड्राई फ्रूट का कलर हल्का सा चेंज हो गया है। इस टाइम पे हम इसमें किशमिश को डाल देंगे और किशमिश के साथ इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और बर्तन में डालेंगे 1 चम्मच घी। यहाँ पे मैं आधा कटोरी सिवाई ले रही हूँ, ये मोटी वाली सिवाई है। सिवाई हमारी पहले से रोस्टेड है, लेकिन इसे हल्का सा हम और भुनेंगे। यहाँ पे हम फ्लेम को लो ही रखेंगे, जिससे हमारी सिवाइयाँ जले ना। तो हमारी सिवाइयाँ भुन के तैयार हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे करीब 4 चम्मच पानी। पानी डालने से हमारी सिवाइयाँ बहुत जल्दी पक जाएगी और बर्तन की तली भी ठंडी हो जाएगी, जिससे हमारा दूध चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1/2 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध हमारा पहले से गर्म है, अब इसे हम डाल देंगे और उसके बाद सिवाई को अच्छी तरह से चला लेंगे। हम ठंडे दूध का यूज़ नहीं करेंगे, ठंडे दूध को डालने से सिवाइयों में गांठें पड़ जाएंगी। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 हरी इलायची, इससे मैंने दरदरा कूट लिया है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा सिवाई में। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारी सिवाई गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कटोरी चीनी। आप अपने पसंद अनुसार चीनी को आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और साथ ही हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट। उसके बाद इसे हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। ये 3 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसके बाद इसे हम ढक कर रख देंगे और ठंडा होने के बाद इसे हम सर्व करेंगे। हमारी स्वादिष्ट सेवियाँ खीर बनके तैयार हो गई है खाने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।